हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषि यश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिकुलर पोलरिटीज एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और यह टॉपिक आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ अगर आप आगे भी केमिस्ट्री से कुछ भी करना चाहते हैं तो यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट, और इसमें हम डाइपोल मोमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल से समझेंगे, फंडामेंटल लेवल पर सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमने ऑलरेडी अपने यूनिट फर्स्ट के काफ़ी सारे टॉपिक्स पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अगर उन लेक्चर्स को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आई बटन पर भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए क्योंकि हर एक लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से आप सभी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते रहेंगे। चलिए अब अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर बात करते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, डाइपोल मूमेंट, ठीक है। हमने इससे पहले इस यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर लिया है, जैसे कि अगर बात किया जाए रेजोनेंस क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, और इसमें हमने वैन डेर वाल फोर्सेस को भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने हमने इसमें बात किया था पोलरिटी के बारे में, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है, जिसमें हमने यह भी बात किया था कि फजांस रूल क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और हो सकता है एक दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हों। तो अब हम बात करते हैं कि डाइपोल मूमेंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर डाइपोल मोमेंट पर बात किया जाए तो डाइपोल मोमेंट के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जब हमने कहा था कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हैं, उनमें आयनिक नेचर आ जाता है, यानी कि उनमें पोलैरिटी आ जा रही है, ठीक है। हमने वहीं पोलराइजेशन ऑफ आयन से ही चीज़ों पर बात करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कितना पोलराइज हुआ है, उसमें कितना आयनिक करेक्टर आया है, ठीक है। क्योंकि जब पोलराइज होता है तो आयन बन जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको फजांस रूल में समझाया। तो कितना आयनिक कैरेक्टर उसमें आ चुका है, इस बात को ही पता करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि कौन सा बॉन्ड कितना पोलराइज हुआ है, कितना उसमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई है, इसके बारे में ही हम जिस टर्म्स में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं वही एक्चुअली हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि डाइपोल मोमेंट में सबसे पहले तो यह बात हमें समझना चाहिए कि डाइपोल क्या है। मोमेंट तो हम सभी जानते हैं कि मोमेंट मतलब कि गति हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना होगा। और मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि जब हम वैन डेर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास एक टर्म बहुत बार आ रहा था, डाइपोल, और मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था कि डाइपोल क्या होता है। अब उसको हम डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को ही समझने वाले हैं। तो अगर डाइपोल के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप सिंपली यह बस समझिए कि हमारे पास कोई भी एक आयन है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि वह हमारे पास पॉजिटिव आयन है, हो सकता है कोई एक निगेटिव आयन हो, ठीक है, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव आयन भी ले सकते हैं, हो सकता है हम निगेटिव निगेटिव आयन भी ले सकते हैं। इट मीन्स दैट कि हम चाहे अपोजिट, चाहे हम सेम लें या फिर हम अपोजिट लें, दोनों ही कंडीशन में हम यह बात कर सकते हैं कि जब हम एक आयन को, ठीक है, वह हम सपोज करते हैं कि पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जब हम एक आयन को देखते हैं तो उस आयन के पास हम सभी जानते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है, और यह भी बात हम जानते हैं कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी आयन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो अगर हम किसी भी एक आयन को दूसरे आयन के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं
तो इस प्रकार बना हुआ जो हमारे पास सिस्टम होता है उसी को ही हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक आयन है तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे कुछ इस प्रकार से बना दे रहे हैं। ठीक है, वैसे हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है। और हम दूसरा एक आयन ले रहे हैं, चाहे वह सेम चार्ज का आयन हो सकता है या फिर डिफरेंट चार्ज का आयन हो सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि डिफरेंट हमारे पास आयन है। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब एक आयन को दूसरे आयन के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इस प्रकार यह जो बना हुआ सिस्टम होता है ना, इसी सिस्टम को ही कहते हैं कि यह एक डाइपोल है। ओके, तो इट मीन्स दैट हमने डिफिनेशन भी देख लिया, हमने सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, डाइपोल क्या होता है यह भी बात हमने देख लिया। तो अब बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए आपको दो बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास डाइपोल वर्ड उपयोग हुआ है, साथ ही साथ मोमेंट वर्ड उपयोग हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक हमारे पास आयन है और उससे हम डाइपोल बना रहे हैं। डाइपोल मतलब कि हमारे पास हो सकता है एक दूसरा आयन भी। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल बन चुका है। तो डाइपोल में यह आयन जो होता है उसका एक न्यूक्लियस यहाँ पर होगा और इसका भी न्यूक्लियस यहीं कहीं होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इसका उपयोग करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ। तो अब इस आयन पर कुछ चार्ज होगा, तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज आयन है तो इस पर हम कहेंगे कि यह क्यू प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और यह हमारे पास अगर निगेटिव चार्ज आयन है तो इसको हम कहेंगे कि यह माइनस क्यू चार्ज होगा। अब इसके बीच का कुछ डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दो आयन हैं तो ये दोनों आयन एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए होंगे, रखे गए होंगे, पोजीशन पाए होंगे। ठीक है, तो हम कह दे रहे हैं कि वो जो डिस्टेंस है वह डी है, तो हम डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और म्यू से रिप्रेजेंट करने पर यह जो म्यू होता है वह इस चार्ज क्यू, ठीक है, इन दोनों चार्ज का जो क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वह तो सेम ही होगा, पॉजिटिव प्लस चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन हम क्यू उठा रहे हैं, मतलब क्यू मतलब क्या, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है डी, इनका यह वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है। ध्यान रखना, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है, सदिश गुणन होता है, अदिश गुणन नहीं, सदिश गुणन, हमने फिजिक्स में पढ़ा है इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो होता है वह उस डाइपोल के जो चार्ज हैं, ठीक है, जो उसमें आवेश हैं, चार्ज हैं, उनका कितना मैग्नीट्यूड है और उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उनका ही वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ही हमारे पास डाइपोल मोमेंट कहलाता है, उस डाइपोल का। ओके, तो यहाँ से हमने डिफिनीशन भी निकाला। अब अगर हम बात करते हैं तो इस डाइपोल का जो हमारे पास यूनिट, अगर हम बात करते हैं तो इस डाइपोल का जो यूनिट होता है वह डिवाई होता है। डिवाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो यह हमारे पास आवेश है यानी कि चार्ज है, तो इसका हम सभी जानते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वह कूलाम में होता है। और यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस हम सपोज कर सकते हैं कि यह सेंटीमीटर में है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर हम कह दे रहे हैं कि यह हमारे पास है NaCl, ठीक है, तो Na का यहाँ पर न्यूक्लियस है और Cl का यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर Na का न्यूक्लियस है, यहाँ पर Cl का न्यूक्लियस है। तो यह जो हमारे पास हमने लाइन खींचा है, यह जो लाइन ड्रा हमने किया है, यह जो लाइन है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह NaCl के बीच का बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों न्यूक्लियस कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं। यह हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है कि यह इसके बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मीन्स दैट यह जो D है वह किसी भी मॉलिक्यूल का क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको आप आगे भी बताएंगे कि D जो है वह हमारे पास बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार हमारे पास जो डिवाई होता है, एक डिवाई का जो वैल्यू होगा वह होता है 1×10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर होता है। हमने अभी तो बोला था कूलाम, लेकिन अब यहाँ पर हम ESU सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ESU सेंटीमीटर क्या है आपको यह भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है,
इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 4.8 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, ESU होता है। खैर इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक डिवाई बराबर इतना होता है, क्योंकि यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जब डाइपोल मोमेंट जो है वह एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह भी जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो जब यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इट मीन्स दैट कि इसमें हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ए एक वेक्टर है तो उस पर एक एरो दिखाते हैं कि उसमें डायरेक्शन भी है। तो जब हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन के लिए जो यह एरो बन रहा है उस एरो का यह जो कैप है ठीक है वह हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा, और यह जो हमारे पास इसका पूंछ होगा यानी कि टेल होगा ठीक है उस टेल को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ रखेंगे। इट मीन्स दैट कि अगर हम सपोज करते हैं HCl के बीच एक हमारे पास डाइपोल मोमेंट है तो इसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हमारे पास कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया कि ये यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हमने डाइपोल मोमेंट का बस इंट्रोडक्शन देख लिया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बातें किया है। तो अब इतनी चीज़ों को हम पहले लिखते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अभी फंडामेंटल लेवल पर हमने बात किया है, सारी चीज़ों को हमने समझा है, तो वैसे स्क्रीनशॉट लेने की कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम साइड हो चुके हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। सबसे पहले तो हमने बात किया कि डाइपोल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने बात किया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हमने बात किया कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसका हम एक डिवाई बराबर कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने बातें किया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब कॉन्सेप्ट के तौर पर इतनी चीज़ें जब हम समझ चुके हैं तो आप लोग अपने कॉपी में सारी चीज़ें लिखना शुरू करिएगा। यहाँ पर आप इसके अंतर्गत एक छोटा सा हेडिंग या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल के डिफिनेशन पर आप लोग लिख लीजिए, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लेते हुए चलेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए आप लोग ऐसा लिखिए कि जब ठीक है जब टू अपोजिट ठीक है अपोजिट और सेम ठीक है सेम चार्ज्ड एटम्स या आयंस भी कह सकते हैं ठीक है एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जाते हैं ठीक है में रख दिए जाते हैं तो इस प्रकार बना सिस्टम ही डाइपोल कहलाता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो यहाँ पर मैं बस इसका डिफिनेशन लिख दिया। ठीक है, डाइपोल कहलाता है। ठीक, तो ये बातें हम पहले से समझते आ रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख दिया कि डाइपोल मोमेंट में डाइपोल क्या होता है। ओके, तो अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें अब हमें समझना है कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी हमने हेडिंग दिया है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर लिख चुके हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसलिए हटा दिया क्योंकि हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हेडिंग दिए थे, अभी फिर से हमें डाइपोल मोमेंट हेडिंग देना पड़ जाता तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ ही देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन। तो डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी डाइपोल के चार्ज तथा या फिर एंड ऐसे लिख लीजिए एंड चार्जेस के बीच
का सदिश गुणन यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि किसी डायपोल के चार्ज एंड चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही डायपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही उस डायपोल का डायपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमने डिफिनीशन लिखा है, तो आप लोग चाहें तो इसे अलग या डिफरेंट रंग से लिख सकते हैं, और इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। लेट आई मीन माना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करते रहिए। लेट हम सपोज करते हैं कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दो चार्जेज हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा। उनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कि डी है, ठीक है, जो कि हम पहले से ही मानते आ रहे हैं, उसी को ही हमने फिर से मान लिया। तब डी है, तब जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया वही चीज़ है यहाँ पर मैं लिखता आ रहा हूँ, ठीक है। तब डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वह उस चार्ज तथा उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अगर इसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये तो हमारे पास डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो अब ये फार्मूले का उपयोग करते हुए हम आगे बात करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, जो ये हमने सेंटेंस लिखा उससे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग एक काम करिए, पहले इस चीज़ को लिख लीजिए कि डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसे स्टार बनाते हुए लिख लीजिए एक बुलेट पॉइंट के तौर पर। तो हमने ये जो सेंटेंस लिखा उसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम सपोज करते हैं कि डी है, ठीक है। तब इस प्रकार देन जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्यू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी, ठीक है, यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। ये बातें हमने यहाँ पर ध्यान दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूनिट भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसा लिखिए कि दी यूनिट ऑफ म्यू या फिर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज डीवाई, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी से अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं डीवाई, और डीवाई को हम इस कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखिएगा कि एक डीवाई जो होता है वह हमारे पास होता है 4.8 इंटू, ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता है, एक डीवाई बराबर होता है 1 × 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि हियर, ठीक है, हियर जो D होता है, D इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, LENGDH होता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हम यहाँ पर पहले लिखे हैं, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों पर बात करना है।
अभी तो जस्ट हमने चीज़ों का इंट्रोडक्शन देखा और सारी चीज़ों को हमने समझा। तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने कुछ बातों पर बात किया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन क्या है, एंड उस डाइपोल मोमेंट के डिफिनीशन से पहले हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करना था, जो कि है डाइपोल ही। क्योंकि अगर डाइपोल को आप नहीं समझेंगे कि डाइपोल एक्चुअली होता क्या है, तो आप डाइपोल मोमेंट को कभी भी नहीं समझ पाते, ओके। फिर उसके बाद हमने डाइपोल मोमेंट के जब डिफिनीशन पर बात किया, तो डाइपोल मोमेंट के डिफिनीशन से हमने एक फार्मूला बनाया कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, और वह डिस्टेंस जो होता है वह दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्यू जो है वह चार्ज है और डी जो है वह उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका यूनिट जो होता है वह क्या होता है, डिवाई होता है, ठीक है। डिवाई को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डिवाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, यह याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है, एक डिवाई का जो वैल्यू होता है वह 1 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये ESU क्या होता है, तो एक्चुअली ESU मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ये जो सेंटीमीटर है या कूलाम है या फिर हमारे पास मीटर है, एंगस्ट्रॉम है, ये सभी क्या है, ये एक्चुअली एक यूनिट ही है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसी प्रकार से हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने चार्जेस को, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो हम पहले से ही यह बात ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वह क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब यह वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से बनेगा तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा हाँ, हम लोगों को हिंदी में लिखना था ना, खैर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में आप लोग भी लिखते रहिए कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें एरो भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें डायरेक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका डायरेक्शन, ठीक है, या ऐसे लिखिए, ठीक है ना, हिंदी ही यूज कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन जो होता है वह इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायरेक्शन एरो से, ठीक है, एरो, कौन सा एरो होता है, वह इस प्रकार से एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर बात करते हैं तो इस एरो का जो कैप है, जो कैप आगे लगा होता है, वह किस तरफ होता है, तो वह बात हम जानते हैं कि वह जो एरो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज्ड एटम की तरफ होता है, और हम सभी जानते हैं कि इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, इस प्रकार हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अगर ध्यान से देखते हैं, अब यहाँ पर एक, ये तो हमने डाइपोल मोमेंट पर कुछ चीज़ों पर बात किया जो कि हमारे पास एकदम फंडामेंटल लेवल पर है, ठीक है। अब इसी को ही और आगे बढ़ाते हुए जब अगर हम बात करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर HCl के बीच डाइपोल मोमेंट पाया जा रहा है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पाए जाने से यहाँ पर अगर हम HCl पर बात करते हैं तो इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियरली दिखने शुरू हो जाएगी कि इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है,
ठीक है, यानी कि दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो तो सेपरेट होता है कि हाँ इस एटम के पास इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इस एटम के पास इतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। जैसे कि एक इंसान के पास 20 रुपये, एक इंसान के पास 10 रुपये हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के पास होती है। ठीक है, यानी कि उनके पास वह क्षमता, वह पावर, वह टेंडेंसी जिससे वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, दो एटम्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट उन डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वह उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर ही डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा उन दोनों एटम्स के बीच उतना ही कम उनका डाइपोल मोमेंट भी होता है। ओके, इतनी बातें आपको समझ पाए, तो इन्हीं चीज़ों को अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप लोग ज़रूर इसे लिखिएगा। यहाँ पर लिखिए कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू या मान, ठीक है, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है, डिफरेंस पर डिपेंड निर्भर करता है। ओके, अब यहाँ पर और अगर आगे बढ़ते हैं तो वही बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि किसी दो एटम या एटम्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना अधिक होगा उसका डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पता होगा, हमने ऑलरेडी कई बार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म यूज कर लिया है। तो अगर इतनी बातें जो मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम यूनिट 3 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक सेपरेट हमारे पास टॉपिक आएगा, सेपरेट टॉपिक आएगा जिसमें हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्केल हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जब लिख दिया है कि किसी भी दो एटम के बीच अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा उतना ही उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा पाया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, हम जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड और एक हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एटम का होता है, तो वह होता है फ्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोजन दोनों सिचुएशन में फिक्स है, तो आयोडीन का फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इस वजह से अगर इनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालें और इसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, और अगर कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल आपको यूज करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कुछ वैल्यू बता दे रहा हूँ, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है वह लगभग 1.9 होता है, ठीक है, 1.9 होता है, और इसमें अगर बात करते हैं तो इसका लगभग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0.4 होता है। ओके, तो अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट पर बात करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट भी इससे ज़्यादा ही होता है, और डाइपोल मोमेंट का अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो वह भी देख लीजिए, इसका लगभग 1.92 डाइपोल होता है, डिवाई होता है,
और इसमें अगर हम बात करते हैं तो लगभग 0.38 डीबाई होता है। तो आप लोग यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वह हाइड्रोजन आयोडाइड से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वह इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो खैर ये तो बस यहाँ पर हमें एक छोटा सा पॉइंट समझना था। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, हमने तो ये बात कर लिया कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है और उनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जा रहा है, यानी कि पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। मैंने आपको पहले समझाया है, बहुत पहले, आई थिंक हमने आपको समझाया है कि हमारे पास जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि पोलर होता है और एक हमारे पास होता है नॉन पोलर। ठीक है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है या एक पोलर बॉन्ड होता है और दूसरा हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास HCl हो गया, अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो जैसे हमारे पास F2 हो गया, Cl2 हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, मैंने आपको इनके बारे में बताया भी है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स में आप लोग हमेशा देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाएगा, यानी कि एक एटम पर दूसरे एटम की तुलना में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेगा जिसकी वजह से वह पोलराइज होता है, तभी तो हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इनमें अगर आप देखेंगे तो दोनों एटम, जैसे कि अगर फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन है, तो इन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम ही होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोनों एटम सेम ही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जब हम लेंगे तो वह जीरो होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वह जीरो होगा, जबकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जिस भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होता है उसका म्यू भी कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर ही तो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। वैसे ही यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो चुका है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वह भी जीरो होगा। और जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होता है उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि वह पोलर मॉलिक्यूल है, और इसे कहते हैं कि इसके पास परमानेंट डाइपोल है। और इसमें हम कहते हैं कि इस प्रकार के मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल नहीं है, ठीक है, और ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट ये आपको बस मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें समझाया है, ये आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं है, बट हाँ आगे अगर आप पढ़ेंगे तो और भी इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप लोग चाहें तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इतनी चीज़ों पर हमने जब बात कर लिया है तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। हमने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं और उनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तब हम कैसे उसे हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ही मॉलिक्यूल है जो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक से दो से अधिक उसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं, निकालते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास अगले लेक्चर का टॉपिक होगा। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, अगले लेक्चर में हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे, सारी चीज़ों को और भी समझेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। और यहाँ पर याद रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।